मौसम आए मौसम जाए। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ेंगे वह बारी बारी से आने वाली ऋतुओं के बारे में है। हर ऋतु की क्या विशेषता है तथा उसमें मिलने वाली खाने पीने की चीजों के साथ पहनावे में आने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। यह पाठ बातचीत के रूप में है। सुनो दीदी और बच्चों की बातचीत। मौसम आए मौसम जाए। दीदी दीदी आज बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा। आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ें? हाँ, आज बिजली नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, पर पुस्तकें यही रहने दो। बच्चों, बताओ आजकल कौन सा मौसम है? दीदी, आजकल गर्मी है, बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है। आओ आज हम इसी विषय पर बातचीत करें। मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज होती है, इसलिए नदी नाले कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है, सूरज जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अच्छा बताओ, गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती हैं, इसलिए। समझ गई। अच्छा अब सब मेरे साथ बोलो, गर्मी के दिन कितने अच्छे, छुट्टी में खेलें सब बच्चे। गर्मी के दिन कितने अच्छे, छुट्टी में खेलें सब बच्चे। अच्छा अब किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलता है और सबको पसंद है। आम। अच्छा अब मेरे साथ सब बोलो, गर्मी के मौसम में हमको कोयल खूब सुनाती है, आम रसीला खा लो बच्चों झूम झूम कर गाती है। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। अब मेरे साथ गाओ, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं, नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। सावन के महीने में ही राखी का त्योहार भी मनाया जाता है। बरसात कम होते ही धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ने लगती है। सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़ कर सोते हैं, सबको धूप अच्छी लगती है, पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। आते ही सर्दी का मौसम सूरज को भी सर्दी लगती, सुबह देर तक सोया रहता, 7 बजे तक धूप निकलती। फरवरी के अंत तक सर्दी कम हो जाती है और बसंत ऋतु आ जाती है। फसल पक जाती है, किसान अपनी पकी फसल देखकर फूले नहीं समाते। सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया, रंग रंग के फूल खिले हैं,
वन बगिया सब महक रहे हैं, डाली डाली झूल रही है, पीली सरसों फूल रही है, डाली डाली झूल रही है, पीली सरसों फूल रही है। सर्दी के समाप्त होने पर सब होली के त्योहार की राह देखते हैं। बच्चों, इस प्रकार ऋतुएं सदा बदलती रहती हैं। तो बच्चों, आपने देखा मुख्य ऋतुएं हैं सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु, जो सर्दी के समाप्त होने पर और गर्मी शुरू होने से पहले आती है। हर मौसम का अपना अलग आनंद होता है। हर मौसम की अलग अलग सब्जियां, फल फूल होते हैं।